हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ जो आईटीएम है यहाँ पर जाके मेरे प्रीवियस डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियोज आप देख सकते हैं जहां पर मैंने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री देन सी एफ पी आई है देन सेकेंड ऑर्डर है देन उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है देन फर्स्ट ऑर्डर हाई डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन उसके बाद मैंने सिंगुलर सोल्यूशन पर भी मैं अभी काम कर रहा हूँ एंड रॉस्किन है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है। तो ये सब आप आईडी पे जाके देख लेंगे तो देन इट विल बी गुड फॉर यू, राइट। सो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं प्लस सीएसआईआर नेट गेट और IIT-JAM पे भी इस पे क्वेश्चन बन जाता है। तो क्या होता है ये और कैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सो डिस्कस करते हैं, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी स्टूडेंट, यहाँ पे नाम से पता पड़ रहा है ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, राइट। पर एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर हम बात करेंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले डेफिनेशन होती है ट्रेजेक्ट्री क्या होती है। अ कर्व विच कट्स एवरी मेंबर ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे पास एक ये सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमारे पास अलग 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 ए की वैल्यू के लिए बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, सर्कल्स मिलेंगे, राइट। ये हमारे पास काफ़ी सारे सर्कल्स है, राइट। अगर हम एक फैमिली ऑफ कर्व लें मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन लें तो ये वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन जो होगी ये इस कर्व के हर जगह इसको क्या करेगी, कट करेगी, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विद द फैमिली ऑफ सर्कल देन वाई इज इक्वल टू एक्स कट्स एवरी मेंबर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब कितना भी बड़ा रेडियस का सर्कल हो ये वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन इसको हमेशा क्या करेगी, कट करेगी, है ना। तो एवरी मेंबर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो वाई इज इक्वल टू एक्स इज अ ट्रेजेक्ट्री ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। तो ये जो वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन होगी ये इसकी क्या होती है, ट्रेजेक्ट्री होती है। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है कि ये जो वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन है ये इस हर कर्व को अगर परपेंडिकुलर कट करे, देखिए आप अगर ये इसको क्या करें यहाँ पे परपेंडिकुलर कट करे तो उस वाले केस में दिस वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन विल बी द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, राइट। तो कैसे इसको निकालते हैं, पहली बात तो डेफिनेशन वापस एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या होता है, इफ कर्व कट्स एवरी मेंबर ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व एट अ राइट एंगल देन इट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, राइट। अब इसको निकालते कैसे, व्हाट इज द वर्किंग रूल ऑफ दिस ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, राइट। तो सबसे पहले कोई भी हमारे पास डिफरेंट कर्व दे रखा है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, ऑफ फैमिली ऑफ कर्व एंड एलिमिनेट द पैरामीटर। वहां पे अगर कोई भी कांस्टेंट जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर में जो ए है वो हमारे पास पैरामीटर है तो उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके एलिमिनेट करेंगे, राइट। देन जहां पर भी डीवाई बाय डीएक्स है वहां पे माइनस डीएक्स बाय डीवाई से रिप्लेस करते हैं देन इसको हम यहां पे क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री मिल जाती है। अब कैसे मिलती है हम क्वेश्चन पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है और उसको हम डिस्कस करते हैं। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, राइट। अब वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर हमारे पास दे रखा है और आपको इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स निकालेंगे, राइट। मैंने आपको बोला था तो ये आएगा हमारे पास टू ए एक्स, राइट। अब हमें इस ए को एलिमिनेट करना है तो सुन यहाँ से हमारे पास ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर आएगी। ये ए उठा के आप यहाँ रख दीजिए सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया। देन मैंने आपको बोला था कि जो डी वाई बाय डी एक्स है उसको हम रिप्लेस कर देंगे माइनस के डी एक्स बाय डी वाई से देन ये तो हमारे पास एट इज एज इट इज रहेगा टू वाई बाय एक्स देन इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू वाई डी वाई हो जाएगा। देन इसको रखेंगे हम एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई इज इक्वल टू हमारे पास जीरो हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस ये आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आप चाहे तो कॉन्स्टेंट बी स्क्वायर ले लीजिए देन इसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे तो हमारे पास आएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये हमारे पास एक एलिप्स टाइप का कर्व मिलता है, राइट। तो इसका जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक एलिप्स होगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स। तो हमें क्या करना होगा, जब भी ऐसा प्रश्न दे रखा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये आएगा एक्स, ये आएगा हमारे पास टू वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा टू ए। अब हम क्या करते हैं, इससे और इससे ए को एलिमिनेट करते हैं तो ये हमारे पास जहाँ पर भी टू ए वहाँ पे उठा के ये वैल्यू उठा रख दीजिए तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये टू ए उठा के रखेंगे तो ये आएगा टू एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाय डी एक्स, राइट, इंटू
यहाँ पे ये x आ जाएगा राइट, देन ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस ये आएगा हमारे पास टू एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा राइट। तो हम यहाँ पे इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी टू एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स, तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो यहाँ बचेगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर राइट। अब हम क्या करते हैं जहाँ पर भी डी वाई बाय डी एक्स है वहाँ पर हम क्या रखते हैं स्टूडेंट माइनस का डी एक्स बाय डी वाई रख देते हैं राइट, है ना, जब भी हम ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालते हैं राइट। तो ये आएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देन मैं इस डी वाई बाय डी एक्स बाय डी वाई को उधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स एंड ये आएगा हमारे पास टू एक्स वाई अपॉन ये माइनस है तो मैं डिवाइड करूँगा तो ये माइनस यहाँ रख देते हैं तो ये आएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन इसमें यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये होगा हमारे पास टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं वाई इज इक्वल टू वी एक्स लेते हैं ना, क्योंकि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन राइट। आई टी पर जाकर मेरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री आप देख सकते हैं राइट। सो लेट क्या करेंगे हम वाई इज इक्वल टू वी एक्स हो जाएगा तो हमारे पास ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखेंगे तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जहाँ पर भी एक्स है वाई है वहाँ पे वी एक्स रखेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा राइट, है ना, एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर दिस इज वाई स्क्वायर दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर राइट। हाँ तो वाई की वैल्यू रखेंगे क्लियर है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल के कैंसिल कर दीजिए तो ये आएगा हमारे पास वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास टू वी वन माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा राइट। इसमें वी को उधर लेके जाइए आप तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास टू वी अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर माइनस वी हो जाएगा राइट। इसका एलसीएम लेंगे तो मैं इसको वापस से यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ तो ये आएगा हमारे पास एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास टू वी और इसका एलसीएम लेंगे तो माइनस का वी एंड प्लस का वी स्क्वायर हो जाएगा वी क्यूब हो जाएगा सॉरी, है ना, क्योंकि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का वी एंड प्लस माइनस माइनस प्लस वी क्यूब हो जाएगा राइट अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा राइट। देन ये आएगा हमारे पास एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसमें कैंसिल होगा तो ये आएगा वी माइनस वी प्लस वी क्यूब अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर, इसका वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आएगा वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस वी क्यूब इंटू डी वी इज इक्वल टू हमारे पास ये आएगा ये डी एक्स अपॉन एक्स, देन ये वेरिएबल सेपरेट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे इसमें इंटीग्रेशन करेंगे राइट। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना जरूरी, बिना पार्शियल फ्रैक्शन इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते राइट। तो कैसे इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं स्टूडेंट, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हटाता हूँ क्योंकि मुझे कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी राइट, है ना, तो एक बार इसको समझते हैं राइट। तो मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन करता हूँ राइट, हाँ जी, तो हमारे पास यहाँ दे रखा है वन माइनस वी स्क्वायर, तो ये हमारे पास दे रखा है वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सॉरी वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी, कॉमन निकाल लेते हैं वन प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा राइट। इस यहाँ पे वी कॉमन निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ तो ये आएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ वन माइनस मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस ये वी कॉमन आ जाएगा तो ये आएगा वन प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग एक्स प्लस का लॉग सी हो जाएगा और इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे राइट। तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे इसमें ये आएगा हमारे पास ए अपॉन वी प्लस बी वी प्लस सी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा राइट। अब इसका तरीका होता है जैसे इस ए की वैल्यू तो बहुत ईजीली हम ट्रिक से निकाल सकते हैं, इस v की जगह क्या रखें कि a जीरो हो जाए जीरो राइट, तो इसको छुपाइए और जहां पर भी v वहां जीरो रख दीजिए तो हमारे पास जो a की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट वन आ जाएगी राइट, है ना, क्या आएगी हमारे पास यहां पे वन आएगी क्लियर है, इसको हम वन लिखेंगे यहां पे। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट बी की वैल्यू निकालते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कोफिशियंट इक्वेट करने पड़ेंगे राइट। तो हम क्या करते हैं या तो इसका एलसीएम ले लो या फिर वी प्लस वन प्लस वी स्क्वायर को सबसे मल्टीप्लाई कर दो राइट। जब आप सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा वन अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यहाँ वी से वी कैंसिल हो जाएगा तो वन प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा राइट, प्लस यहाँ पे इससे कैंसिल होगा तो वी से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा बी वी स्क्वायर प्लस सी वी राइट। नाउ हम बात करेंगे कॉफिशियंट ऑफ वी स्क्वायर की राइट, तो यहाँ पे वी स्क्वायर का कॉफिशियंट माइनस वन है, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है राइट, हमारे पास ए की वैल्यू वन है तो ये वन यहाँ रखेंगे तो स्टूडेंट बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी हो जाएगी माइनस टू हो जाएगी राइट, क्योंकि वन रखेंगे वन इधर आएगा तो माइनस टू हो जाएगा राइट। अब कॉफिशियंट ऑफ
हम देखेंगे v, तो कॉफिशियंट ऑफ v तो है ही नहीं, जीरो आ जाएगा, राइट। इधर कॉफिशियंट ऑफ v नहीं है, इधर कॉफिशियंट ऑफ v नहीं, यहाँ पे है c, तो सुन c की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जीरो। ये सब वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए, इसको फाइनल उठा के हम यहाँ रख देंगे, राइट। तो सुन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, a की वैल्यू जो आ रही है वो 1 आ रही है, तो ये आएगा 1 अपॉन v। नाउ b की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, सुन माइनस 2 आ रही, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, माइनस 2 रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस 2 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर, है ना। और c की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही तो मतलब ही नहीं है, राइट। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, है ना, और ये हमारे पास हो जाएगा log xc, राइट। इस यहाँ पे क्या करेंगे, आ जाएगा हमारे पास log v, एंड नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला आ रहा, तो ये माइनस का log 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू log xc आ रहा है, इसमें माइनस है, तो अब थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, तो मैं यहाँ से इरेज कर दूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं हमें, है ना, क्योंकि आपको सभी को समझ में आ गया होगा, तो मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, राइट, है ना। तो बात करते हैं यहाँ पे लॉग, ये आएगा a माइनस बी, तो ये आएगा लॉग a माइनस लॉग b, तो ये आएगा लॉग a बाई बी, राइट, इज इक्वल टू ये आएगा लॉग xc। सो इन लॉग से लॉग हट गया, तो ये आएगा हमारे पास v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू xc, तो v इज इक्वल टू ये हो जाएगा xc 1 प्लस v स्क्वायर, इसमें जहाँ पर भी v वहाँ y बाय x रखेंगे, है ना, क्योंकि हमने y v इज इक्वल टू y इज इक्वल वी एक्स लिया था, तो वो ये उठा के रखेंगे, तो ये आएगा xc, ये आएगा 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर होगा, है ना। देन इस यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ऑलमोस्ट आंसर के करीब पहुँच गए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट हाँ इतने कैलकुलेशन के साथ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो ये आएगा हमारे पास y बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स, इस यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो सुन ये एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, और यहाँ से एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, या इस कॉन्स्टेंट को उधर लेके लिख दीजिए, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन वाई हो जाएगा, है ना, ऊपर जाके कॉन्स्टेंट ये ले लिया, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा, तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। इसमें ये क्वेश्चन देखिए, आप फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला, राइट। तो कैसे इसको हम निकालते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। इसमें जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो वही सेम कंसेप्ट लगाएंगे, क्या करेंगे, ये आएगा इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो टू वाई डी वाई बाय डी एक्स, और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4a, राइट। इस 4a को हम एलिमिनेट कर देते हैं, राइट। तो जैसे ही हम इसको एलिमिनेट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास वाई स्क्वायर, जहाँ पर भी 4a वहाँ पे ये रख देते हैं, राइट। तो ये आएगा 2y dy वाई बाय डी एक्स, राइट। एंड ये x प्लस यहाँ पे a की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो a को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा हमारे पास y बाय 2 dy वाई बाय डी एक्स आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। नाउ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, राइट। तो ये आएगा हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई एक्स डी वाई बाय डी एक्स, है ना, प्लस ये अंदर गया तो 2 से 2 कैंसिल, वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब हमें क्या करना है, सुन जहाँ पर भी डी वाई बाय डी एक्स है वहाँ पर हम क्या करते हैं, सुन माइनस का डी वाई बाय डी एक्स रख देते हैं, राइट। तो यहाँ माइनस का डी एक्स बाई डी वाई रख देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जैसे हम इसको करेंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अल्टीमेटली ये हमारा क्या है वैल्यू, इसके अंदर हम चेंज करेंगे ना, तो ये आएगा हमारे पास टू एक्स वाई, यहाँ पर रखेंगे माइनस का डी एक्स बाई डी वाई, राइट, प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ आएगा हमारे पास माइनस का डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आएगा हमारे पास टू एक्स वाई, ये माइनस का हो जाएगा, है ना, माइनस का ये हो जाएगा डी एक्स बाय डी वाई, राइट, प्लस ये तो एज इट इज रहेगा, ये लिख देते हैं हम डी एक्स बाय डी वाई का होल स्क्वायर, राइट। थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, और इसको मैं ऐसा लिख दूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ माइनस का टू एक्स बाय अपॉन, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। इसमें मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो डी एक्स बाय डी वाई इसको उल्टा करके नीचे डी वाई बाय डी एक्स रख दिया, राइट। इसी टाइप से मैं यहाँ पे वैसे कर लेता हूँ वाई स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, राइट। सुनिए आप हम एलसीएम ले लेते हैं और इसको क्रॉस मल्टी, या डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई, और जब आप इसको डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, राइट, है ना। और ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर से डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल होगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, राइट, है ना। तो सुन इस वाई स्क्वायर को तो इधर देते, इसको उधर ले आता हूँ, तो इस वाई स्क्वायर को मैं यहाँ लिख देता हूँ, राइट, और ये टर्म को इधर ले आता हूँ, राइट। तो ये आएगा हमारे पास टू एक्स वाई, राइट, ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स, है ना, प्लस ये आएगा हमारे पास, ये एक्चुअली वाई स्क्वायर है ना डी वाई बाई, तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे वैल्यू वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आएगा। तो आप देख रहे हो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वापस ये इक्वेशन आ रही,
आप देख रहे हो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं, देखो सेम टू सेम इक्वेशन राइट. इसका मतलब ये इसका फैमिली ऑफ कर्व है, तो इसका मतलब इसका फैमिली ऑफ कर्व भी यही होगा राइट. तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो क्या होगी, सेल्फ होगी राइट. तो ये सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होगी, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स प्लस वाई ही इसका क्या होगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फोर ए एक्स प्लस ए आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसको सॉल्व करने पर यह आया, तो ऑब्वियसली इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम यही आएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा. तो इस तरह से इस कर्व को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं ना, उसको बोलते हैं सेल्फ ऑर्थोगोनल राइट. तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का कांसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. और लास्ट में मेरी वीडियो से आप देख सकते हैं सुनिए, डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैंने काफ़ी सारा कंटेंट अपलोड कर रखा है. सुनिए बीएससी के जो मेरे वीडियोज़ हैं जहाँ पर मैंने जितने भी बीएससी और इंजीनियरिंग में टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो सब अपलोड कर रखे. प्लस मेरा जो नया चैनल है जिसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक और बहुत सारे जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये दोनों मेरे चैनल है. सुनिए नया चैनल जहाँ पर एप्टीट्यूड की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ये मेरा पुराना चैनल जहाँ पर हायर मैथ्स की वीडियोज आप देख सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए. नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए, सो देर की आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.